फैमिली प्लानिंग की बार बार की गई कोशिश के बाद भी अगर आप सफल नहीं हो पा रहे तो इसका मतलब हो सकता है कि आपके शरीर में स्पर्म काउंट यानी शुक्राणु की कमी हो गई हो। दरअसल पुरुषों के यौन स्वास्थ्य को सही रखने के लिए दो चीजें बहुत जरूरी हैं, जिनका नाम है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन और स्पर्म काउंट। अब पुरुषों पर हुई एक स्टडी में नया खुलासा हुआ है। ह्यूमन रिप्रोडक्शन अपडेट जर्नल में छपी स्टडी में यह पाया गया कि 1973 से 2018 के बीच पुरुषों के एवरेज स्पर्म काउंट में 51.6% की कमी आई है। इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं और कैसे आप स्पर्म काउंट बढ़ा सकते हैं, चलिए इस वीडियो में आपको बताते हैं। वीडियो को आखिर तक देखना ना भूलें। खान पान से जुड़ी गलत आदतें, बिगड़ती जीवन शैली, इसका असर सेहत के साथ पुरुषों के स्पर्म काउंट पर भी पड़ता है। स्पर्म काउंट कम होना और उसकी क्वालिटी खराब होना दोनों ही फर्टिलिटी को बुरी तरह से प्रभावित करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि 30 की उम्र के बाद महिला की प्रजनन क्षमता कम होने लगती है, उसके बाद भी ऐसा होता रहता है, जबकि 50 साल की आयु के किसी पुरुष की प्रजनन क्षमता घटने लगती है। धूम्रपान, शराब, वजन बढ़ना, यौन संचारित रोग, हार्मोनल परिवर्तन, कुछ दवाओं का असर ये खराब स्पर्म का कारण बन सकते हैं। इस समस्या से निपटने के लिए वैसे तो कई मेडिकल इलाज मौजूद हैं, लेकिन जीवन शैली और खान पान में थोड़ी बदलाव करके आप इस समस्या से राहत पा सकते हैं। जी हाँ, कुछ हेल्थ वेबसाइट्स के मुताबिक हेल्दी डाइट के जरिए आप इस समस्या से निजात पा सकते हैं। चलिए आपको कुछ ऐसी चीजों के बारे में इस वीडियो में बताते हैं जिनके नियमित सेवन से आप स्पर्म काउंट बढ़ा सकते हैं, साथ ही क्वालिटी में भी सुधार कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अनार के जूस की। रोजाना अनार का जूस पीने से आपको स्पर्म काउंट बढ़ाने और स्पर्म क्वालिटी सुधारने में मदद मिल सकती है। अनार में वो सभी जरूरी पोषक तत्व पाए जाते हैं जो शरीर के बेहतर कामकाज के लिए जरूरी है। कई लोग कद्दू का सेवन करते हैं और उस वक्त बीज को निकाल कर फेंक देते हैं। इसमें मौजूद जिंक और ओमेगा 3 फैटी एसिड मेल ऑर्गन में ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाते हैं। इससे व्यक्ति के शरीर में स्पर्म का निर्माण होता रहता है। हर दिन एक मुट्ठी कद्दू के बीज खाने से टेस्टोस्टेरोन और स्पर्म काउंट बढ़ता है, तो कद्दू के बीज का सेवन भी आप कर सकते हैं। अब बात करते हैं लहसुन की। लहसुन में पाए जाने वाले एलिसिन नामक कंपाउंड ब्लड फ्लो में सुधार करता है। रोजाना सुबह कुछ कलियां चबाकर खाने से स्पर्म की संख्या बढ़ती है, जो शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होता है। इसके अलावा इसके ब्रोमिलेन नामक एंजाइम और विटामिन बी स्टैमिना, एनर्जी और स्पर्म काउंट बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। सेमन और अलसी के बीजों में पाया जाने वाला ओमेगा 3 प्रजनन क्षमता को बढ़ाने में और गर्भपात के खतरे को कम करने में बहुत ही मददगार साबित होता है। अधिक तैलीय मछली खाने से शुक्राणुओं की गुणवत्ता में सुधार आता है। ये आवश्यक वसा हार्मोन्स के स्वस्थ कार्य के लिए जरूरी है। दूध को भी संपूर्ण आहार माना गया है। इसमें पर्याप्त मात्रा में सभी पोषक तत्वों का समावेश होता है। दूध से बने उत्पाद का सेवन करने से प्रजनन क्षमता बढ़ती है, इसीलिए अपने डाइट चार्ट में दूध, दही, बटर, पनीर को शामिल कीजिए। अगर आपको दूध पीना पसंद नहीं तो आप बटर और पनीर का सेवन भी कर सकते हैं। पुरुषों की प्रजनन क्षमता को बढ़ाने में गाजर बहुत फायदेमंद है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने शोध में पाया कि गाजर में पाए जाने वाले तत्व पुरुषों की प्रजनन क्षमता को बढ़ाने में मदद करता है। इस शोध में ये भी कहा गया कि सभी नारंगी और पीले रंग की सब्जियों में ये गुण होता है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। तमाम और हेल्थ टिप्स के लिए आप लोकमत हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।